गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस का। लास्ट सेशन में हमने ये चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर का नाम आपको एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ मैं, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। सो इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ डिटेल्स थोड़ी सी देखी थी एंड इस चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया डेमोक्रेसी के बारे में, इंडिया की डेमोक्रेसी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फाइन, क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में ऐसा है कि डेमोक्रेसी बोलने में है लेकिन असल मायनों में वो कभी कभी हमें नहीं मिलती, क्योंकि डेमोक्रेसी को तरीके से यूज़ करना होता है। हर किसी की आज़ादी होती है। अब आज़ादी का मतलब ये तो नहीं ना कि वो किसी की जान भी ले ले। आज़ादी का मतलब ये होता है कि उसके कुछ कानूनी हक होते हैं, बराबर है, जो उसको मिलने चाहिए। तो इसके बारे में ये पूरी डेमोक्रेसी का डिस्कशन हो रहा है और बहुत से चैलेंजेस जो है हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी फेस करती है, बराबर है। सो इसमें हमने डिस्कशन में देखा था कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जो डेमोक्रेसी की बात आती है। चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी में लास्ट टाइम पे हमने देखा था ये वाला पॉइंट, कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म। सब जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म एक ऐसी सोच है जहाँ पे लोग ऐसी भावना एक दूसरे में जगाते हैं जहाँ पे झगड़े की फीलिंग आ जाए। फाइन, जहाँ पे कोई अपने आप को ही सबसे बेस्ट बताने पे तुल जाए उसको हम कहेंगे कम्युनलिज्म, और दूसरे को भी यही कहे कि आप यही फॉलो करिए तो यहाँ पे आके थोड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है, राइट। सो सोशल स्टेबिलिटी गेट हैम्पर्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग रिलीजियस हॉस्टेलिटी। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यू टू टेररिज्म। इसी को देखते हुए, टेररिज्म को भी देखते हुए, लोग बहुत सी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, डरते हैं। रीज़न सिंपल है, टेररिज्म एक ऐसा प्रॉब्लम अराइज हो चुका है अपने आप में, एक ऐसी समस्या बन चुकी है आज के इस दौर में जहाँ पे एक डर कायम हो चुका है पूरे विश्व पे, पूरे वर्ल्ड पे। फाइन, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी लाइक किसी भी टाइप का बम ब्लास्ट हो गया या फिर कोई भी टाइप का ऐसा जो इंसानों द्वारा किया गया किसी प्रकार का कोई हानिकारक काम हो, राइट। सो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टेररिज्म, सबसे बड़ा। कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म, ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस है डेमोक्रेसी के लिए। बिकॉज डेमोक्रेसी में अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो फिर वो डेमोक्रेसी है ही नहीं असल में। तो देन वी हैव दिस लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नक्सलिज्म। नक्सली के बारे में भी मैंने आपको बताया था, नक्सलिज्म क्या होता है, इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। नक्सलिज्म बिगेन एज अ मूवमेंट टू रिमूव इनजस्टिस अग्रेसिव लैंडलेस फार्मर एंड ट्राइबल पीपल। नक्सलिज्म जो एक मूवमेंट है जो शुरू हुआ था नक्सलाइट लोगों ने किया था, जो गरीब फार्मर होते हैं ये उनके न्याय के लिए किया गया था, बट अब ये धीरे धीरे एक अपने आप में एक पैटर्न बन चुका है जहाँ पे लोगों को अब ये हैबिट हो चुकी है। देन उसके बाद आता है ये एक सबसे बड़ा इशू है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ करप्शन। करप्शन जो चीज़ बताई है यहाँ पे, ये बहुत बड़ी इशू है। इन इंडिया द एक्सटेंट ऑफ करप्शन इज सेट टू बी वेरी हाई इन पब्लिक सेक्टर। यस, गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसमें मेजॉरिटी में ये देखा गया है कि बिना करप्शन के वो काम नहीं होते। गवर्नमेंट वर्किंग कैपेसिटी इज रिड्यूस ड्यू टू करप्शन एट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। पीपल डेवलप डिस्ट्रस्ट एंड डिससेटिस्फैक्शन अबाउट द एंटायर गवर्नमेंटल सिस्टम ड्यू टू डिले इन गवर्नमेंट वर्क, पुअर पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटी एंड डिफरेंट फाइनेंशियल ब्लंडर। करप्शन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, जब वोटिंग वगैरह होती है तब भी ये सब चीज़ें होती है इलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे। बोगस वोटिंग होती है, मतलब कोई भी जो पर्सन का नाम ही नहीं है लिस्ट में वो भी आके वोट डाल रहा है। देन ब्राइबिंग द वोटर्स, मतलब जो वोट डालने वाला है उसको पहले पैसे दे दो कि तुम इसको वोट डालना। अबडक्टिंग द वोटर्स एंड सच अदर थिंग्स रिड्यूस पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। यस, यहाँ पे क्या होता है, लोगों का एक विश्वास जो है वो एकदम टूट चुका है कि हर काम जब करप्शन से ही होता है तो करप्शन करके ही काम कराओ, राइट।
तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी को चैलेंज फेस करना पड़ता है इसको भी लेके, क्योंकि एक हैबिट बन चुकी है हर किसी के दिमाग में है कि बिना करप्शन के कोई काम नहीं होगा। जैसे मान लो अगर मैं अगर समझो बाइक चला रहा हूँ बिना हेलमेट के, एंड सडनली अगर मान लो मुझे पुलिस पकड़ ले किसी वजह से, फाइन राइट। सो क्या होता है इसमें, समझो मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो कोई भी पर्सन ये सोचेगा कि कैसे भी करके मैं 150 रुपये दे के निकल जाऊँ, क्योंकि ये हैबिट बन चुकी है अपने आप में करप्शन देने की। कहीं भी चले जाइए, किसी भी सेक्टर में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल में अगर बेड खाली नहीं है तो अगर कंपाउंडर को बुला के मैं साइड से 1000 या 500 रुपये दूँ तो बेड भी अरेंज करवा देगा मेरे लिए वो, और उसको और थोड़े दे दूँ तो पेशेंट की देखभाल भी अच्छे से कर देगा, फाइन। मतलब बिना करप्शन के कोई काम नहीं होगा किसी भी टाइप के गवर्नमेंटल सेक्टर की जब बात आती है, तो ये रिश्वत ब्राइबिंग सबसे आगे चलती है, फाइन। और रिश्वत देने के तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं, ये आप भी जानते हैं। देन वी हैव दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम बिफोर डेमोक्रेसी। यहाँ पे एक पूरी फैमिली नेतागिरी में उतर जाती है ना। वन जस्ट फैमिली इन पॉलिटिक्स रिड्यूस डेमोक्रेटिक स्पेस, कॉमन पीपल कैनॉट पार्टिसिपेट इन द पब्लिक सेक्टर। यस, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है कि बाकी लोगों को फिर इंटरेस्ट ही नहीं आता ना पॉलिटिक्स में, क्योंकि उतरने तो कोई देगा नहीं यहाँ पे पॉलिटिक्स में, तो इससे अच्छा तो यही है कि हमें वो काम ही छोड़ दें। द नेक्स्ट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिकल प्रोसेस इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम। समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज गिव कैंडिडेचर टू पीपल हैविंग द क्रिमिनल बैकग्राउंड। ये एक बहुत बड़ा इशू है, जो लोग थोड़े जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, मुकदमा चल रहा है, पुलिस स्टेशन आना जाना है, जिन पे काफ़ी सारे आरोप लगे हुए हैं, एक तरीके का क्रिमिनल है, वो लोग क्या करते हैं अपने क्रिमिनलाइजेशन को छुपाने के लिए पॉलिटिक्स में एंट्री ले लेते हैं, नेतागिरी में आ जाते हैं, इलेक्शंस में आ जाते हैं, और लोग उन लोगों को जिता देते हैं। अब एक बार अगर वो नेता बन गया तो उसके बाद तो उसके सारे आरोप खारिज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फाइन। पीपल हैविंग अ क्रिमिनल बैकग्राउंड फेसिंग क्रिमिनल एलिगेशंस एंड एलिगेशंस ऑफ करप्शन, दिस इंक्रीज द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स। यस, पॉलिटिक्स में आज के टाइम पे उसी की बात चलती है जो इस तरीके की गेम खेलना जानता हो। दिस में ऑल्सो लीड टू वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन। यस, कभी बार तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि लड़ाइयाँ हो जाती है इलेक्शन के दौरान और काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। देन वी हैव दिस सोशल चैलेंजेस, अपार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस मेंशन अबव, इंडियन डेमोक्रेसी फेसेस अदर सोशल चेंजेस, द प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कास्ट बेस्ड इशू एंड नीड टू बी रिजॉल्व। ये भी हमारे समाज के कुछ चैलेंजेस हैं जिससे अब तक हमने कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा है, और इनकी वजह से भी क्या होता है बहुत बार हमारी डेमोक्रेसी को एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। ये बात बराबर है, क्योंकि डेमोक्रेटिकली अगर ये सब चीज़ें आज भी हमारे कंट्री में हो रही है, इसका मतलब यही है कि आज भी हम बहुत सारे चैलेंजेस को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, राइट। देन व्हाट स्टेप शुड बी मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, ऐसे कौन कौन से स्टेप है जिनको लेने के बाद हमारी इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है। तो सबसे पहले देखो, दिया मेजोरिटी ओपिनियन एज अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी गेटिंग मेजोरिटी ऑफ वोट्स कम टू पावर, पार्लियामेंट टेक्स ऑल डिसीजन बाय मेजोरिटी, डेमोक्रेसी एम्स एट द वेलफेयर ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल, व्हेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजोरिटी इट इज पॉसिबल दैट इनजस्टिस मे बी डन टू दोज हु आर मार्जिनल एंड हु आर इन माइनॉरिटी। दो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय मेजोरिटी। यस, अभी क्या होता है कि ज़्यादातर जो काम होते हैं वो मेजॉरिटी को मद्देनज़र रखे हो जाते हैं, इसमें माइनॉरिटी को बहुत बार ध्यान भी नहीं दिया जाता।
तो इससे ये होता है कि अगर माइनॉरिटी को कोई ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर मेजॉरिटी के काम से क्या मतलब, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी वर्ग को देखकर ही सब पॉलिसीज बनानी चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इन शॉर्ट, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एवरीवन्स ओपिनियन शुड बी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी ऑल रिलीजियस लिंग्विस्टिक एथनिक कास्ट ग्रुप शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यस, जब डिसीजन लिया जाए तो इन सबको उसमें क्या होनी चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए। देन वी हैव दिस जुडिशरी इन इंडिया इज सीन टू बी मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट्स टू मेक पॉलिटिकल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जुडिशरी हैज अडॉप्टेड मेजर्स लाइक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ऑफ टू क्रिमिनल्स एंड प्रोहिबिटिंग क्रिमिनल फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल प्रोसेस। यस, अगर कोई भी पर्सन पॉलिटिक्स में आ रहा है और उस पर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो डेफिनेटली उसको क्या किया जाए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उसको पॉलिटिक्स में बिल्कुल एंट्री नहीं होनी चाहिए। टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इन इंडिया इट इज़ नॉट सफिशियंट टू मेक एफर्ट्स एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी। अब ऐसा नहीं है कि हर काम गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दो, कुछ काम खुद भी करने चाहिए। एवरीवन एट सोशल एंड इंडिविजुअल लेवल शुड मेक कॉन्शियस एफर्ट टुवर्ड्स इट। सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम समृद्धि योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एंड सच अदर प्रोजेक्ट आर अंडरटेकन एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर द लोकल सेल गवर्नमेंटिंग इंस्टीट्यूशन। यस, क्या बोला है, 50% क्या करके रखा हुआ है, गवर्नमेंट सीट अलग से करके रखी हुई है। टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी ट्रूली सक्सेसफुल इट इज़ असेंशियल टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ऑल द लेवल। इफ सच पार्टिसिपेशन इंक्रीज स्पेशली एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इट विल हेल्प इन चेंजिंग पब्लिक पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसीज आर मेड थ्रू इंटरेक्शन with the people. Interaction with those who are not in power is also important for success of democracy. Yes, interaction बहुत ज़रूरी है democracy को successful बनाने के लिए। So at the level of the government it should be issued the public policies कि जहाँ पर जो भी policy बने तो उसके बाद लोगों से interaction हो, उनके interaction से ये होगा कि details पता चलेगी ताकि problem arise ना हो future में। And we have this last, the last paragraph is the value of equality, liberty, social justice, secularism should be respected and implemented even in our personal life. ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्री में जब हम बाहर जाते हैं तभी ये सब चीज़ें होती है, हमें हर चीज़ में ये ध्यान देना है कि टोटली डेमोक्रेसी में फाइन हर चीज़ को क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, चाहे इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, सोशल जस्टिस हो। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी Everyone should keep in mind that we are responsible citizen of the nation. Yes, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम खुद क्या हैं, सबसे responsible citizens हैं हमारे खुद के नेशन के। Then we have this, यहाँ पर देख रहे हैं आप लास्ट में स्वच्छ भारत अभियान, ये 2014-15 में शुरू किया गया था ये अलग से। एंड लास्ट के कुछ देखिए दो क्वेश्चंस हैं, बाकी तो बेसिक यहाँ पे क्यों रीजन्स हैं, आप ये आराम से कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। सो स्टूडेंट विद दिस अपना ये फिफ्थ चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है पॉलिटिकल साइंस का। आई होप सो आपने ये वीडियो पूरा अच्छे से सुना होगा और आपको ये पूरा एकदम डिटेल में समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में अंदर गए, राइट? सो आई होप फॉर द बेस्ट दैट कि आप इसको अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। एंड हम लोगों ने काफ़ी सारा पोर्शन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कवर अप कर लिया है। फाइन, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि देखेंगे बताऊंगा कि आपको ये आगे टेस्ट प्रोवाइड करने हैं या फिर लेसन्स और आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज ऑफलाइन जब होगा अपना क्लासेस शुरू तब भी ये चीज़ें वापस से क्या होंगी, एक बार दोबारा से रिपीट की जाएंगी। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। गुड लक।